क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, दरिया आप देखें कितना साफ है। और ब्राउन कलर के ये आपको दरख्त वगैरह दिख रहे हैं, आगे से व्यू आएगा। यही रोड है कारगिल वाला, सियाचिन वाला। देख रहे हो कैसी उड़ रही है, गाड़ी ना फंसे, यूं करके आगे जाने दे। ये तो बड़ों से बाहर निकले, तो वही कह रहा हूँ। आगे यार शिखर के उधर बहुत होगी मेरे ख्याल में, होगी हाँ, नहीं तो तुम लोगों ने अगर वैसे ही बनानी है तो ऐसे बस ठीक है, छोड़े फिर वहीं चलते हैं, चाहो तो छोड़े फिर वहीं चलते हैं। हंसी तो नहीं है, मैं कब जगह बैठने वाली ना हो ना, वो देखो ना करोला ऐसे वो खड़ी है उधर, पहले वहां से होने तक लेफ्ट से रेंडी जा रही है, आगे देखना फिर से। हां ठीक है, वो तो ये लोग पीछे करके साइड जा रहे हैं। और सरीना शिगर फोर्ट 22 किलोमीटर लेफ्ट पर है। शिगर का रोड अच्छा था, खपलू का भी अच्छा बना दें तो कितनी तेजी से सफर हो। पे अभी हम रुके हैं, एंट्री करा रहे हैं। व्यू बेहतरीन है, चारों तरफ पांचों तरफ जो है वो पानी, वो सॉरी बर्फ है। थोरको पुल है ये, उन्नीस सौ 95 का बना हुआ है। ये पुल है जी, अरे आ रहा है पानी इस पे। बिल्कुल शीशे की तरह साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। हाँ जी हाँ जी, वो लकड़ी का है,
पानी देखें पापा कैसा है कलर। नीचे बर्फ भी पड़ी हुई है। ये 4:12 और थोरको ब्रिज जो है इस पे से हम गुजर रहे हैं। नीचे हमारे रिवर इंडस जो 11 से अचिन से आ रहा है समझे इस तरफ से, और शिखर के रास्ते पर हैं हम। ये बर्फ जब पड़ी होती सारा सफेद हुआ होता है। रैली वगैरह होती है के रास्ते में। रमजान खान सेल्फी। कैसी जगह है रमजान खान? अच्छी है, अच्छी है। स्ट्रेट आके आप यहाँ से रोड लेफ्ट होके ऊपर चढ़ रही है, ये ऊपर पार पे सर फरंगा भी लिखा है, रेत भी उड़ रही है, जगह ओवरऑल अच्छी है। मस्ट विजिट, विजिट आपको करनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन ओपन, बड़ी प्यारी जगह है। रेत बहुत उड़ती है। हाँ वो बदल डेजर्ट है, रेगिस्तान है, दैट्स व्हाई जगह बहुत अच्छी है। रमजान खान के पास पूछे क्या है खाने पीने में, कुछ है कि खत्म है? दे दो बाबा का सैंडविच, दे दो आधा, कोई और ले ले भाई। आसपास सारे पहाड़ों में बर्फ है, रोड पहले नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद उधर ऑपोजिट पहाड़ पे चला जाएगा और फिर उधर से पीछे जाएगा रोड। बड़े मजे का है रोड और एरिया बड़ा खूबसूरत है, खुला है, पहाड़ मुंह पे नहीं है, एटलीस्ट आपके जगह है, गैप है। भूख लगी है, चाय इन जालिमों ने नहीं दी है मुझे, चाय तो मिल गई, पीछे बोला था करते आगे पियेंगे, ये खा रहे हैं। रमजान खान भी एक सैंडविच खा रहे हैं। और नवाज अंकल आपने कुछ खाया? ये वाला पेस्ट्री सही नहीं खाया है आपने, चॉकलेट तो खा रहे हो, वो एक पीस फूटा वैसे ही आ जाता है ना। वो रमजान किससे आया अभी? अच्छा एक तो मोटा वाला आता है, सही कराया भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है, आसमान बहुत टाइट है। आगे जा रहे हैं, डेजर्ट ड्यून्स, ये पूरा पहाड़ भरा हुआ है बर्फ से, स्नो कैप। मैं लेता हूँ
के शिखर वैली, ये आपको शिखर वैली दिख रही है बिल्कुल, बादलों में आके पहाड़ ढके हुए हैं, बर्फ देखें, ये शिखर वैली है लेफ्ट साइड पे। गर्मियों में ये ग्रीन होंगे दरख्त सारे, और इसके पीछे जो पहाड़ हैं आधे आधे बर्फ़ में भरे हुए हैं वो, और ठंड भी अगेन काफ़ी है, 8 डिग्री हो रहा है यहाँ पे इस वक्त धूप में, जिसका मतलब ये है कि रात में जब ठंड होती है तो 0 या -0 में ही जो है वो टेम्परेचर जाएगा। पीछे जो पहाड़ हैं वो तो ढके हुए हैं सारे बादलों में, ग्रीन शिखर वैली जी। कैसी है जगह पापा? शिखर वैली अभी तो आपने वैसे बहुत देखी है, जैसे ही आप आएंगे ये सारी आपको व्यू नजर आएगी बेहतरीन किस्म की। ठंड है? अच्छी जगह है, हवा तो बहुत ठंडी है, धूप में वो है, धूप में तेजी है, अदरवाइज वैसे ही टेम्परेचर कितना है, 8 से 7-8। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और वैसे आप रात को, रात होते ही फिर आपको पता लगेगा कि कैसा बिल्कुल होता है। मैं 360 देता हूँ क्विक। बन रही है किताब दिखाता हूँ, ये क्या है नवाज अंकल? पता नहीं ये कोई बुक है ना, ब्रॉड पीक, हाइट 8047 मीटर्स। ये क्या लिखा हुआ है? ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन, पिक्चर ऑफ बल्तोरो 62 किलोमीटर्स, पिक्चर ऑफ बयाफो 60 किलोमीटर्स लेंथ है इसकी। क्लोज करें, किताब बनी हुई है पूरी। हाँ जबरदस्त, ब्रॉड पीक और ये पेज नंबर 1-2, कोल्ड डेजर्ट सरफरांगा, ऑर्गेनिक टूरिज्म, ठीक है, एप्रिकॉट खुबानीस्तान, खानका है मुल्ला अम्ब्यूरिक मॉस्क, फोंग खार, फोर्ट शिगर, नोरोज, हाईएस्ट पीक K2, हॉट स्प्रिंग्स, पिक्चर ऑफ ये क्या लिखा है, छतरन, पता है कोई छतरन, छतरन गाँव या छतरन इधर हटो भाई, छतरन का पता है? अभी पहले मैं ये तो देख लूं। ये क्या है जी? ब्रॉड पीक बुक बनी हुई है यहाँ पे, 8047 मीटर ब्रॉड।